हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैफ्रॉन सिरप के बारे में। सैफ्रॉन सिरप के क्या उपयोग होते हैं और इसका इस्तेमाल किस रोग के लिए किया जाता है, किस उम्र के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और साथ ही इसके प्राइस, पैकेजिंग और दुष्प्रभाव के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। तो आपको वीडियो को कम्प्लीट देखना है जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। आइए जानते हैं सैफ्रॉन सिरप के बारे में। इसमें जो तत्व यानी कि इंग्रेडिएंट्स जो शामिल हैं वो है साइप्रोहेप्टोडिन, ट्रिकोलाइन साइट्रेट, सर्बिटोल, ये तीन मुख्य तत्व शामिल होते हैं। अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो ये आपको 200 ml के पैक में 98 रुपए में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। अगर हम बात करें कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है तो इसका इस्तेमाल मुख्यतया भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कि भूख की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तो सैफ्रॉन सिरप रोगियों को भूख बढ़ाने के लिए एक भूख बढ़ाने की औषधि के रूप में कार्य करती है। यह दवा आम मौसमी एलर्जी जैसे कि आंखों में पानी आना, खुजली, छींक आना, सर्दी और खांसी को ठीक करने में आपकी मदद करता है। जब भी रोगी इसका इस्तेमाल करता है तो इससे उसके जो पाचन संबंधी विकार होते हैं वो दूर होते हैं। इससे उसके पाचन संबंधी रोगों में निजात मिलता है, यानी कि कब्ज जैसे कब्ज समस्या, गैस की समस्या, बदहजमी आदि जैसी समस्याओं में निजात मिलता है और उसकी भूख बढ़ती है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा भोजन को खा पाता है। तो आपको अगर भी भूख नहीं लग रही है तो आप निश्चित ही इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के सलाह पर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आपको सुबह शाम एक या दो चम्मच करना चाहिए, यानी कि आपके एज के अनुसार 1 या 2 चम्मच आप इसे कर सकते हैं। इसे बच्चे के लिए स्पेशल यानी 5 साल से लेकर आप वयस्क हैं तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सबके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं। आपको इसका इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल करने के बाद में आपको आराम करने की जरूरत होती है। इस्तेमाल यानी कि जब इसका सेवन करें उसके बाद में आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, भारी मशीनें नहीं चलानी चाहिए, इससे आपको चक्कर आना जैसे महसूस हो सकता है। आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर हम बात करें कि इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं तो इसके साइड इफेक्ट यानी गला सूखना, चक्कर आने जैसा फील होना या इसके अलावा शरीर पर चेतियां आदि जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। आपको अगर गर्भावस्था के दौरान अगर आप इसका सेवन करना चाहते हैं तो डॉक्टर के सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करें और इसके अलावा ड्राइविंग करने से पहले इसका सेवन बिल्कुल ना करें, शराब का सेवन ना करें। अगर आप मधुमेह से ग्रसित हैं फिर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लीवर और किडनी से अगर आपको रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो आपको इसके इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।